तो ये हमारे पास आधा किलो कीमा है, थोड़ा सा तो कीमा बना हुआ है और कुछ दो हमारे पास पीस हैं। तो ये मैंने पहले से कीमा बनाया हुआ है, लेकिन ये दो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप लोफ लें बड़े, और अगर तो आपके पास कीमा मशीन ये है चॉपर, तो उसमें आपने बहुत बड़े पीस नहीं डालने, आपने छोटा करके डालना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बड़े पीस डालने वो जल जाते, और आपके पास अगर चॉपर मशीन है तो दैट्स गुड, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कीमा मशीन से भी बना सकते हैं। अगर कीमा मशीन भी ना अवेलेबल हो तो आप बाज़ार में इसको लेके जाएं, और उधर कीमा मशीन अवेलेबल होती हैं तो उधर से आप इसको फिर दो से तीन बार आप निकलवा लें। तो अब ये देखें आप, कीमा हमारा बिल्कुल बारीक हो गया है, ऐसा ही कीमा होना चाहिए। तो अगर आप कीमा मशीन से इसको करवाते हैं तो फिर आप तीन से चार दफ़ा उसमें से निकलवाएंगी, अगर आपके पास चॉपर है तो फिर तो मसला ही हल हो गया। ये हमने पूरा कीमा इस तरह करके चॉपर से निकाल लिया है। तो अब हम इसको करेले को पहले तो ऊपर से ये वाला हम छिलका इसका उतार देंगे। जब भी हमने भर के करेला बनाना है तो इस तरह से हमने इसकी पूरी स्किन उतार देनी है। इसकी स्किन उतार ली है, इसको भी आप फेंकेंगे नहीं। अगर तो आप कीमे के बगैर सिर्फ प्याज वाले भर के बना रहे हैं करेले, तो ये आपने तड़का बनाते हुए इसी तरह ही इसमें डाल देना, इसको निचोड़ के पानी इसका निकाल लें तो ये कड़वे नहीं रह जाएंगे। तो इसको आप उसी में डाल के पका सकते हैं। अगर आप कीमे वाले बना रहे हैं ये बिल्कुल मत उसमें डालिएगा। फिर क्या करना है कि इसको हमने लगा लेना है कट, यूं करके कट आपने इतना लगाना है, थोड़ा सा इधर से भी हमने छोड़ दिया और थोड़ा सा इधर से छोड़ दिया, ये आप देखें ये। अब हमने इसके जो सीड हैं इसके अंदर बीज इसके, वो हमने पूरे रिमूव कर देने, बहुत ही आसानी से, हाथ से भी हो सकते हैं। अगर आपके आपसे हाथ से मुश्किल हो तो आप स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। करेले बहुत अच्छे मार्केट में आए हुए हैं, तो करेले हमने ले लिए हैं आधा किलो, और इनको बनाने का तरीका मैं शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही कीमा हमारे पास बीफ का कीमा है, आधा किलो है, ये भी मैं चॉपर में डाल के बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। और प्याज है एक बड़ी साइज़ की, लहसुन का पेस्ट है एक टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट एक टेबलस्पून, छः अदद हमारे पास हैं सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने बारीक कूट लिया है, और ये भी है एक टेबलस्पून। एक बड़े साइज़ की टमाटर है, अगर छोटे हों तो दो आप ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स हमारे पास है डेढ़ टीस्पून, नमक एक टीस्पून, ये भुना हुआ कुटा जीरा है हमारे पास 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हमारे पास है 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल इसमें आधा कप जाएगा, आधे कप से भी कम हमने डाला है कुकिंग ऑयल। इसमें डाल देंगे लहसुन, लहसुन को हम अच्छी तरह पका लेंगे। बस हमने इतना इसको पकाना है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा इसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाए, तो तब हमने इसमें डाल देना है कीमा। कीमा करेले जो है अमूमन उनको बहुत ही मुश्किल बनाना समझा जाता है, लेकिन ये इतने मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिलीव मी। तो ये हम डाल देंगे इसमें पूरा, इसको लहसुन के साथ हमने इतना पका लेना है कि इसका पूरी तरह कलर चेंज हो जाए। तब तक हम पकाएंगे, मीडियम आग रखी हुई है, बहुत तेज़ आग आप बिल्कुल मत रखिएगा। ये अब हमने इतना इसको पका लिया है कि इसका कलर चेंज हो चुका है, अब इसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही कीमे का पानी रिलीज़ होना शुरू होगा तो हमने इसको ढांप देना है और हल्की आंच कर देनी है, और इसको हमने कोई 8 मिनट के लिए ढांप देना है। 8 मिनट हो चुके हैं, पानी जितना भी था वो खुश्क हो चुका है। इसमें डाल देना है प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे थोड़ी सी तेज़ आग, ताकि जो अदरक है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसको भी ढांप देंगे कोई 5 मिनट के लिए प्याज के साथ, ताकि प्याज भी इसमें कुक होता रहे और इसका जो अपना पानी होगा उसके साथ कीमा और अच्छा पक। तो कोशिश करें जितना कीमा अपने पानी में पकेगा उतना वो ज़्यादा टेस्टी होगा, और जितना आप कुकिंग प्रोसेस उसका स्लो रखेंगे उतना ही उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करें कि पानी जो हमने एक्स्ट्रा डालना है वो कम से कम हमें डालना पड़े। तो ये हमने मिक्स कर लिया, फिर से इसको ढांप देंगे उसी तरह हल्की आंच पे, 5 से 6 मिनट हम फिर से ढांपेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा हमने बीच में इसे चेक भी किया है, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है और कच्चापन भी इसका ख़त्म हो गया है। अभी हमने इसको इतना पका लेना है कि बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए। पूरे जितने भी हमारे पास मसाले हैं
सारे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मीडियम आग के ऊपर हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है प्याज और मसालों के साथ। हमें कोई 3 मिनट हो चुके हैं, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है इसका। अब इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो ये इसके मसाले जल जाएंगे, इसलिए हमने साथ ही टमाटर अभी शामिल किया है। टमाटर का छिलका उतरा हुआ है, फ्रोज़न है टमाटर हमारा, तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, पानी भी बहुत ही जल्दी रिलीज़ करता है। तो अब हमने इसलिए शामिल किया है कि इसकी मज़ीद जो भुनाई है वो रुक जाए मसालों की और मसाले जल्दी ना पाएँ। तो अब हमने इसी तरह ही इसको फिर से ढाँप देना है। तो ये इसमें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा मैंने चेक भी बीच में किया है, हल्की आंच थी इसलिए अपने पानी में ही पकते रहें। अभी तक भी इसमें हल्का फुल्का पानी है, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे थोड़ी सी तेज़ आग करते हुए। अब जो इसका जायका है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है इस स्टेज पे। अब कीमा हमारा 80% तक तो पक चुका है, लेकिन 20% अभी भी कसर है। पानी डालने से पहले हमने ये जो टमाटर का पानी है इसको बहुत अच्छी तरह खुशक पहले कर लेना है। अब हमने इस स्टेज पे इसमें डाल देना है पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी का हमने इसमें डाल दिया है। आप इससे बेशक थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो नो इशू, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो जितना अच्छा पकेगा उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो अब हमने 1-2 मिनट के लिए तेज़ आग, ताकि अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर से लो मीडियम आग पे इसको हमने तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे छोड़ देना है। तो ये हमें तकरीबन कोई 12 मिनट हो चुके हैं, तो मैं जितना भी इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड है उसको मैं ड्राई कर लूँगी। पूरा फ्राई कर लिया है, ये देखें आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको उतार के तो ठंडा कर देंगे। ये कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे कीमे की, अच्छी तरह आपने पूरा इसको भर लेना है। तो ये हमने पूरा अच्छी तरह से भर लिया है, आपसे चम्मच से नहीं डल सकता तो आप हाथ से डाल लें, लेकिन आपने पूरा अच्छा सा इसको भर लेना है। तो अब हमने ये आम जो नलकी होती है रील, इसका हमने ले लेना है धागा और इसको हमने बिल्कुल अंदर करके तो इस तरह हमने इस पर लपेट देना है ताकि ये खुले नहीं। वैसे तो ये नहीं खुलेगा और लेकिन फिर भी इसको हमने अच्छा सा लपेट देना है, इस तरह थोड़ा सा दबा के इसका मुंह बंद करके हमने लपेटना है। ये तेल गरम करने रखा हुआ है और मीडियम गरम तेल में ही हमने इसको डाल देना है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो ये ऑयल हमारा गरम हो रहा है तो हम इनको रख देंगे, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एहतियात से हमने इसको डाल देना है। ऑयल जो है वो तेज़ गरम है, उसके बाद हमने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है दम वाली और इसको ढांप देना है। ये मैंने दम वाली आग कर दी है और ढांप देंगे। तो ये हम इसको ढांप देंगे और इसको आराम आराम से फ्राई होने देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए, 10 से 15 मिनट, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। कीमा तो पका हुआ है, इसको करेले को अच्छा सा फ्राई होना चाहिए, तो इसके लिए हमने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको ढांप दिया है। ये आप देखें, एक साइड बहुत ही अच्छी तरह पक चुकी है और अब हमने इसको कर देना है टर्न सारों को, और इसी तरह दूसरी साइड भी हमने ऊपर से ढांप के पका लेनी है।